नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के अर्ली मॉर्निंग बुलेटिन में। रूस यूक्रेन जंग पर टीवी 9 भारतवर्ष की नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी है। 800 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और टीवी 9 भारतवर्ष वॉर जोन से हर खबर और तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, मैं हूं विवेक। प्रातः काल का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। रूस यूक्रेन जंग का आज 25वां दिन है। कोई नहीं जानता कि ये जंग कहां जाकर खत्म होगी। लगातार गोलीबारी जारी है, रॉकेट फट रहे हैं, मिसाइल गिर रही है, शहर शहर मौत का मंजर है। रिहायशी इलाकों पर रूस के हमले जारी है। जंग की कीमत बेकसूर लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। शनिवार को रूस ने खुद माना कि उसके सैनिकों ने पश्चिमी यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। वहीं यूक्रेन ने टोचका यू मिसाइलों से रूस पर पलटवार किया। यूक्रेन का यह दावा है कि अकेले राजधानी कीव में जंग की शुरुआत से अब तक 4 मासूम समेत 232 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर खंडहर बन चुके हैं। जो लोग अब भी जंग के बीच फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस बीच लवीव जैसे शहरों में रूस के बढ़ते हमलों के बाद आम लोगों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी है। यूक्रेन से सामने आई खौफनाक तस्वीरों से आप यूक्रेन के लोगों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आज रशिया यूक्रेन युद्ध का 25वां दिन है। ऐसे में किस तरह ये तस्वीर बदली है, किस तरीके से बर्बादी का मंजर, तबाही का आलम चौतरफा पसरा हुआ है, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष पर।